गरीब झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री ने आज समर्पित किए हैं 8000 से ज्यादा फ्लैट। और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जी। गिरिजा जी, किस तरह देखती हैं आप इसको कि झुग्गी से जो रहने वाले गरीब हैं वह निकल कर अब फ्लैट में रहेंगे? देखिए, अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, उस तरफ गरीब की तरफ भी देखना आवश्यक है कि जब रोजी रोटी के लिए लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे हैं, उस हालत में उनके आवास की चिंता इस यूपीए सरकार ने की और इसीलिए अलग मंत्रालय इसके लिए खोला। चंडीगढ़ को हमने मॉडल टाउन के रूप में लिया। चंडीगढ़ सुंदर शहर है, चंडीगढ़ एक अच्छी तरह से बसावट वाला शहर है और वहाँ पर गरीबों के लिए भी यदि उसी तरह से अच्छे मकान हों तो वहाँ पर हम उसे झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कर सकते हैं, स्लम मुक्त सिटी रख सकते हैं, एक मॉडल सिटी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है स्लम मुक्त भारत का कि आने वाले दिनों में लाखों मकान बनेंगे और उनकी कोशिश होगी कि स्लम बस्तियों में कोई न रहे और सबके हर गरीब के पास अपना मकान हो। बिल्कुल, इसीलिए ये मंत्रालय है और हम इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं, पहले जेएनएनआरएम थी उसके तहत ये मकान बने, अब हमने पूरे हिंदुस्तान भर में राजीव आवास योजना से बनाएंगे जो पहले केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलती थी, अब पूरे देश में चलेगी और करीब 1 मिलियन मकान उसके अंतर्गत बनाने का है। दूसरी योजना है राजीव ऋण योजना, जिसके तहत 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं लोग और उसके तहत भी 1 मिलियन मकान बनाएंगे। जो राजीव आवास योजना है, पहले उसका पैसा जेनानेरू में 1 लाख था, अब बड़े शहरों के लिए हमने 5 लाख कर दिया, छोटे शहरों के लिए। लेकिन आप लाखों मकान बनाने की बात कर रही हैं, फ्लैट बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन इसके लिए भारी भरकम धन की भी आवश्यकता होगी, तो क्या आपकी सरकार तैयार है इस धन के निवेश के लिए? सरकार आम आदमी के लिए सब कुछ तैयार है। मैं सोनिया जी के वाक्यों को उद्धृत करना चाहूंगी जो उन्होंने संसद में कहा था, जब फूड सिक्योरिटी पर बोलते हुए कि लोग पूछते हैं कि धन कहाँ से आएगा, तो हमें तो लाना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। जब लोगों को हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत रखना है, रोजी रोटी और मकान देना है, तो हमें धन की चिंता नहीं करनी है और उनके लिए धन आएगा ही आएगा। इसलिए अभी हमारे पास करीब 32,000 करोड़ रुपया राजीव आवास योजना में, दूसरी योजना में भी उतना ही पैसा है जो इस पंचवर्षीय योजना तक है, लेकिन यदि अच्छी तरह से कार्य हुआ तो निश्चित तौर पर धन की कमी कहीं नहीं आएगी। बस हमारा एक ही मन है कि उन लोगों की कम्युनिटी जो है उसका पार्टिसिपेशन हो और दूसरी बात क्वालिटी भी अच्छी हो, उस बात की ओर मेरा मंत्रालय और मैं विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए डॉक्टर गिरिजा व्यास जी। तो ये थी डॉक्टर गिरिजा व्यास जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चंडीगढ़ लेकर आई हैं और इनका कहना है कि जहां चाह है वहां राह है। कैमरामैन अजय भाकुनी के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, डीडी न्यूज, चंडीगढ़।